स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं कि आज बोरूटो के चुनिंग एग्जाम का फर्स्ट राउंड है, तो हिनाटा उसको समझाती है कि अगर तुम नर्वस नहीं होगे तो तुम बिल्कुल पास कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो बोरूटो बाहर जाता है तो वहाँ पे सारदा और मिस्की उसका वेट कर रहे होते हैं। तो बोरूटो सब लोगों के साथ में वहाँ चला जाता है जहाँ पे उन लोगों का चुनिंग एग्जाम स्टार्ट होना है, और वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं लोकेशन पे। तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे ईवा भी, डेंकी वगैरह की टीम, शिकारी वगैरह की टीम ऑलरेडी खड़ी होती है। और मेटली जो होता है वो बाकी बच्चों को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और नर्वस होता है, क्योंकि बाकी विलेज के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। और डेंकी जो होता है वो बाकी विलेज के बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इन लोगों को क्या बोलते हैं, कौन से जुस्से इस्तेमाल करते हैं। तो बोरूटो मेटली को आगे समझाता है कि तुम नर्वस मत हो, हम लोग इनको बिल्कुल हरा देंगे, तुम चिंता मत करो। तो शिंकी ये सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है कि अच्छा, तो ये नारुतो उज़ुमाकी का बेटा है, बोरूटो उज़ुमाकी, मुझे इससे देखना है कि ये कितना पावरफुल है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकामारू आता है और सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बोलता है कि अब तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ये तुम्हारे लिए चुनिन बनने का एग्जाम है और तुम लोग चुनिन बन जाओगे इसके बाद, तो तुम लोग एक्साइटेड होने चाहिए। तो वो देखता है कि शिकाड़े जो होता है बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता और अपनी धुन में मगन होता है। तो शिकामारू बोलता है वटा ड्रैग, आखिरकार मैं अपने बेटे से क्या ही उम्मीद करूँ, ये भी मेरी तरह बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है चुनिन एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकामारू बोलता है कि तुम लोगों का जो एग्जाम होगा वो दोपहर में होगा और इस जगह पर होगा, तब तक तुम लोग रेस्ट करो और अपनी ट्रेनिंग करो। तो बोरूटो बचे हुए टाइम में यहाँ पे बर्गर खाने के लिए आ जाता है और वो मिस्की का वेट कर रहे होते हैं। तो शारदा बोलते हैं तुझे आज भी बर्गर ही खाना, चुनिन एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इतने इंपॉर्टेंट दिन में भी तुझे बर्गर ही खाना है। तो बोरूटो मिस्की का वेट कर रहा था, तभी यहाँ पे हम लोग हिडन क्लाउड विलेज के कुछ बच्चे आ जाते हैं और उनको परेशान करने लगते हैं। बोलते हैं कि हम लोग तीन जने और तुम दो ही हो, हमें सीट दे दो ये। तो बोरूटो बोलता है हम लोग भी तीन जने, हम लोग अपने साथी का इंतजार कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं हमें क्या मतलब, तुम अपने साथी का इंतजार कर रहे हो, वो यहाँ पे है नहीं, वो स्लो है, तो ये तुम्हारी गलती है, हम लोग तो ये सीट लेंगे। तो बोरूटो खड़ा होकर उनसे फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो शारदा बोलती है तुम बोरूटो प्लीज़ यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ मत करो, चुनिन एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बोलता है अच्छा, तो तुम बोरूटो बोरूटो उज़ुमाकी यानी सेवंथ होकागे नारुतो उज़ुमाकी के बेटे हैं, मुझे देखना था कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम अपने डैड की तरह पावरफुल हो या नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी वहाँ पे पीछे से मिस्की आ जाता है और उनके कंधे पे अपना हाथ लंबा करके रखता है। तो वो लोग डर जाते हैं कि इसका हाथ इतना लंबा कैसे हुआ, आखिरकार ये है कौन। तो मिस्की बोलता है ये मेरी सीट है जिस पर तुम बैठना चाह रहे हो, और वो बोरूटो की साइड में जाके खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, तभी शिंकी अपने सैंड का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को लड़ने से रोक लेता है। तो वो लोग देखते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। तो शिंकी बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं, अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो चुनिन एग्जाम में करना। तो शारदा बोलते हैं कि अब हमारा तीसरा मेंबर आ चुका है, तो प्लीज़ आप लोग दूसरी सीट पर बैठ जाइए, यहाँ पर हम लोग बैठेंगे। तो बोरूटो शिंकी को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये है बंदा है कौन। तो शारदा उसको बताते हैं कि ये शिंकी है, ये हिडन सैंड विलेज से आया हुआ है और ये सैंड का इस्तेमाल कर सकता है अपने जुस्सू के रूप में, और ये फिफ्थ काजुकागे का बेटा है गारा का। तो मिस्की बोलता है अच्छा बोरूटो ये तो तुम्हारी तरह है, किसी कागे का बेटा है। तभी यहाँ पे हम लोग वो लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे लॉर्ड मिज़ुकागे आ जाते हैं और उससे बोरूटो मिज़ुकागे को देख के काफ़ी तक खुश हो जाता है और उनसे कागुरा के बारे में पूछता है। तो मिज़ुकागे बोलता है कि मैं कागुरा को विलेज की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देके यहाँ पे आऊँ ताकि मैं यहाँ पे चुनिन एग्जाम में आ सकूँ, इसलिए वो आ नहीं पाया, लेकिन वो तुम्हारे लिए मैसेज भेजा कि वो तुम्हें चुनिन के रूप में देखना चाहता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है दिनों दिन, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी काफ़ी अपना पूरा इस्तेमाल करो क्योंकि हमारे विलेज के जो बच्चे आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो तुम उनको हरा नहीं पाओगे इतनी आसानी से। तो मिस्की बोलता है हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट विलेजेस के बच्चे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो बोरूटो बोलता है मिस्की तुम चिंता मत करो, हमारे सामने कोई भी है हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग जीत के ही रहेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सुचिकागे, राइकागे और कांकुरो जो होते हैं वो सब लोग ये देख रहे होते हैं। तभी सुचिकागे कांकुरो से पूछती है कि लॉर्ड गारा भी तक आए नहीं, वो कहाँ पे, काजीकागे आखिरकार वो आ नहीं रहे क्या। तो कांकुरो बोलते हैं नहीं वो आएंगे, सेकंड राउंड तक आएंगे, उनको विलेज के अंदर कोई काम है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं उनका जो एग्जाम होता है वो स्टार्ट होने ही वाला होता है और सारे बच्चे जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और स्टेज के ऊपर साय आके उन लोगों को बताता है कि मैं तुम लोगों को रूल बताने वाला हूँ कि तुम लोगों का फर्स्ट राउंड कैसा होगा। तो वो बताता है कि जो तुम्हारा चुनिन एग्जाम का फर्स्ट राउंड होगा वो एक ट्रू फॉल्स की क्विज होगी, तुम लोगों को ट्रू या फॉल्स ये सब कुछ बताना। तो सारे बच्चे चौंक जाते हैं कि ट्रू फॉल्स की क्विज ये कैसी बात हुई। तो साय बताता है कि तुम लोगों की ट्रू फॉल्स की क्विज यहाँ पे नहीं होगी बल्कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है और वो जगह बता देता है कि वहाँ पे होगी और तुम लोगों को एक घंटा मिलेगा, इस स्टॉप वॉच के अंदर जो जो एक घंटे से पहले वहाँ पे नहीं पहुँचा वो हार जाएगा और मैंने जो ट्रैप लगाए हैं बहुत सारे रस्ते के बीच में तो तुम लोगों के लिए वहाँ पे पहुँचना आसान भी नहीं होगा। तो बोरूटो वगैरह चौंक जाते हैं और शारदा बोलते हैं बोरूटो जरा ध्यान से देखो, ये जो साय के हाथ में जो स्टॉप वॉच है वो चालू हो चुकी है, मतलब टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये सब कुछ देख के जो हम लोग देते हैं सारे बच्चे जो होते हैं भागने लग जाते हैं क्योंकि टाइम जो होता है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है और उन सब लोगों को एक घंटे से पहले वहाँ पर पहुँचना है। तो साय बोलते वैसे अभी तक मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करना खत्म नहीं किया, तो तुम लोग मेरी बात होते तक सुन सकते थे। तो यहाँ पे शिकामारू बोलता है कि हमें पता है इन सब ये सिर्फ तेरा एक ट्रैप था, अगर वो सब लोग तेरी बातें सुनते तो वो लोग कभी टाइम पे पहुँच भी नहीं पाते, मुझे लगता है कि इस बार के बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उन लोगों ने तेरा ट्रैप इतनी आसानी से पता कर लिया। तो साय बोलता है वो तो देखते हैं कितने इंटेलिजेंट है, और ये बोल के अपने सुपर वीड स्क्रोल निकाल के चला जाता है वहाँ से। तो शिकामारू ये सब कुछ देख रहा था और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जंगल के अंदर टिमटिम खड़ी होती है और वो देखती है कि सारे बच्चे जो होते हैं वो ट्रैप्स के अंदर फंसते जा रहे होते हैं, कुछ लोग तो आसानी से ट्रैप को पार कर रहे होते हैं और कुछ लोग आसानी से ट्रैप के अंदर फंस रहे होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को बोरूटो वगैरह की टीम से उम्मीद थी वो लोग आसानी से सारे ट्रैप्स को पार करके निकल रहे होते हैं। तो टिमटिम उन सब लोगों को देखती है और बोलती है अच्छा कर रहे हो तुम सब लोग, और वो बाकी सारे विलेजेस के बच्चों के लिए एक ट्रैप लगा देती है जिसके अंदर वो समनिंग जुस्सू का इस्तेमाल करती है और जिससे कि बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं लकड़ी के। तो बोरूटो वगैरह उनको आसानी से पार करके निकल जाते हैं और शिंकी जो होता है वो अपनी टीम को बोलता है
कि तुम सब लोग अपने जुस्सूस का इस्तेमाल मत करना, और इन क्योंकि हम लोगों को एनिमी को अपनी जुस्सू नहीं दिखाने और अपने नॉर्मल स्किल से इन को हरा दो। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं वो लोग भी आसानी से बुलटो वगैरह की तरह इन रोबोट्स को हरा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं डनक्लाउन विलेज के, वो एक अजीब सी बबलगम वाले जुस्सू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो सारे रोबोट्स को बम के अंदर फंसा देते हैं। तो हम लोग देते हैं यहाँ पे बुलटो वगैरह की टीम पहुँच जाती है, और बुलटो जब पहुँचता है तो वो देखते हैं यहाँ पे शिंकी वगैरह की टीम पहले से पहुँची होती है, बहुत सारी टीम्स यहाँ पे पहले से पहुँच गई होती हैं। तो यहाँ पे साया आता है और बोलता है मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे बच्चे मेरा ट्रैप को पार्स करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो शिकामारू बोलता है वैसे भी अभी मैच स्टार्ट का हुआ, असली राउंड तब स्टार्ट होने वाला है। तो साया उन लोगों को बताता है और पर्दे हटते हैं दोनों तरफ से, और एक तरफ ट्रू लिखा होता है एक तरफ फॉल्स लिखा होता है, और उसके आगे एक जमीन बनी होती है वाइट कलर से। तो साया बोलता है तुम सब लोगों को ट्रू या फॉल्स चुनना है, जो भी करेक्ट आंसर होगा वो लोग तुम्हें उस तरफ खड़ा होना है, और जो जो ब्लैक इंक में गिर गया और वो फेल हो जाएगा, तो जो जो गलत आंसर होगा वो ब्लैक इंक में गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वो एक क्विज पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, उस बोलता है इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स तुम लोगों को बताना है। तो युवा भी हाथ पकड़ के साथ पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है कि ये मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो मैंने तो आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी। तो युवा भी वगैरह सब कुछ ये लोग देख रहे होते हैं, और वो देखते हैं हम लोग पास कैसे करें। तो यहाँ पे बोरुटो मिस्की से पूछता है कि मिस्की तुम्हें कुछ आता है क्या, लेकिन मिस्की इसकी तरफ स्माइल कर देता है। तो बोरुटो बोलता है मैं भी किस बोंदू से पूछ रहा हूँ। तो वो अपने साइंटिफिक निंजा टूल की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तो इसका भी इस्तेमाल नहीं करता क्विज के अंदर, तो इसका इस्तेमाल कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग सारे बच्चे जो होते हैं वो तुक्का मार के किसी ना किसी आंसर के पास में जाके खड़े हो जाते हैं। तो भी शारदा बोरुटो से पूछती है कि बोरुटो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड अगर इस वक्त होते तो वो क्या चूज करते। तो बोरुटो बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे डैड तो ट्रू की तरफ तो कभी भी नहीं जाते, क्योंकि वो सीधे रास्ते में कभी नहीं जाते, वो हमेशा फॉल्स ही चुनते। तो शारदा बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन मैं अपने डैड से बिल्कुल अपोजिट रास्ते पर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं होकागे बनना चाहती हूँ। तो हम लोग ट्रू की तरफ जाएंगे। तो बोरुटो बोलता है अच्छा तो चलो मजा आएगा, हम लोग वैसे भी यहाँ पे खड़े रहकर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो लोग ट्रू की तरफ चले जाने लगते हैं, और हम लोग देखते हैं शिंकी वगैरह की जो टीम है वो फॉल्स की तरफ जा रही होती है। तभी साय जो होता है वो आंसर रिवील करता है, और हम लोग देखते हैं स्क्रीन के ऊपर ट्रू और फॉल्स दोनों लिखे हुए आते हैं, और जो दोनों टीमें जहाँ जहाँ खड़ी होती हैं वो सारी जो जगह होती है वो फट जाती है, और वो लोग नीचे गिर जाते हैं गड्ढे के अंदर। तो बोरुटो गड्ढे के अंदर नीचे गिरते हुए देखता है कि यहाँ पे ब्लैक कलर की इंक है, और वो देखता है कि वो ब्लैक कलर की इंक के अंदर गिरने वाले हैं, और मतलब वो लोग फेल हो चुके हैं, उनका आंसर गलत था। तो बोरुटो बोलता है क्या ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, हम लोग यहीं पे इतनी आसानी से हार जाएंगे। तो बोरुटो सब कुछ भूल जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी शारदा देखती है कि शिंकी वगैरह की टीम भी गिर रही है। तो शारदा बोलती है मतलब उन लोगों ने ट्रू चुना फॉल्स चुना, तो उन लोगों का भी आंसर गलत है और हमारा भी आंसर गलत है, तो सही आंसर क्या होगा। तभी उसे याद आता है कि साय ने बोला था जो जो इंक के अंदर गिर गया और काला हो गया वो आउट हो जाएगा। तो वो मिस्की को बोलते हैं मिस्की, तो मिस्की हाथों समझ जाता और अपने हाथ को लंबा करके ऊपर से खाई को पकड़ लेता है, और दूसरे हाथ से बोरुटो की तरफ शुरिकेन फेंक देता है। तो तभी बोरुटो समझ जाता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है, और हम लोग देते हैं बोरुटो भी जो है वो इंक के अंदर गिरने से बच जाता है और बिल्कुल बाल बाल बचता है। तो यहाँ पे हम लोग शिकाटे जो होता है उसने भी अपनी टीम को बचा लिया होता है अपने शैडो पैरालिसिस जुस्सू का इस्तेमाल करके, उन दोनों को चट्टान के पास रोक के। और क्लास रैप जो होती है उसने भी नामिदा और वसाबी को अपने न्यूए का इस्तेमाल करके बचा लिया होता है, वो लोग भी बच गए होते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे युवा ने अपनी टीम को बचा लिया होता है अर्थ स्टाइल जुस्सू का इस्तेमाल करके, और कुछ जो क्लाउड विलेज के जो हिडन क्लाउड विलेज के बच्चे होते हैं वो भी कुछ बच जाते हैं अपने बबलगम जुस्सू का इस्तेमाल करके। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिडन मिस विलेज के बच्चे जो होते हैं वो तीन जनों का ट्राई हुआ होता है वो भी बच जाता है, और शिंकी जो होता है वो तो ऑफकोर्स बचना ही था, वो तो क्योंकि गारा का बेटा है तो वो भी बच ही जाता है यहाँ पे। तभी वहाँ पे साय आता और बोलता है कि तुम सब लोगों ने जो जो बच गए उन सब लोगों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि तुम लोगों का आंसर क्या था, और जो जो इतना भी नहीं सोच पाया वो चुनन बनने का लायक नहीं था। तो ये सब बोरुटो के दिल पे लग जाते हैं, क्योंकि बोरुटो को लास्ट तक पता ही नहीं चला था कुछ भी। तो साय बताता कि ये सब कुछ इसीलिए था कि तुम लोगों को रियलाइज़ कर सको कि तुम लोगों को जल्दी डिसीजन कैसे लेना पड़ता है, और जो जो इस एग्जाम में पास हो चुके हैं वो चुनन एग्जाम के फर्स्ट राउंड में पास हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग हैं सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि राउंड टू जो तीन दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो शारदा बोलते हैं हाँ हम लोग बिल्कुल पास कर देंगे, तुम चिंता मत करो, है ना बोरुटो। तो यहाँ पर हम लोग बोरुटो जो होता है वो अलग ही खोया हुआ होता है, क्योंकि उसको अभी भी चिंता हो रही होती है कि उसने पता नहीं लगा पाया था। तो बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग बिल्कुल पास कर देंगे। तो हिडन क्लाउड विलेज वाले बच्चे बोलते हैं अरे तू तो बिल्कुल वो नहीं मत, तू तो बातें बड़ी बड़ी करता, अगर तेरे साथी तुझे ना बचाते तो तू पास फेल हो जाता। तो यहाँ पे बोरुटो बोलता है अच्छा तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो ये शिंकी जो होता है वो ये सब कुछ दूर से देख रहा होता, और एक शिनोबी जो होता है वो हिडनली विलेज को उसने बैंड पहना होता और वो सब कुछ देख रहा होता, और बोलता नहीं नहीं अभी तक उसने स्टार्ट नहीं किया, और वो किसी से बात कर रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेगा जब वो स्टेज के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ किसी से बात कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ हम लोग शिकामारू नारुतो को बोलता है कि बोरुटो की टीम ने फर्स्ट राउंड पास कर लिया, तो मुझे लगता है तुम्हें उसको बधाई देनी चाहिए, कम से कम उसे कुछ बताना चाहिए। तो नारुतो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर कि बोरुटो ने फर्स्ट राउंड पास कर लिया, और बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे बोरुटो से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं बोरुटो दूसरी तरफ सोया हुआ होता है अपने बेडरूम के अंदर, वो कुछ सोच रहा होता है। तभी हिनाटा वगैरह उसको आवाज़ लगाते हैं कि बोरुटो खाना खाने के टाइम हो चुका है, अगर तुम थके हुए नहीं हो तो तुम खाना खा लो, अगर थके हुए तो तुम सो जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बोरुटो अपने साइंटिफिक निंजा टूल को देख ही रहा होता, तभी उसके पास एक ईमेल आता है। तो ईमेल और किसी का नहीं बल्कि नारुतो का है, जिसमें कि नारुतो ने लिखा है कि मैं तुम्हें उम्मीद करता हूँ कि तुम सेकंड राउंड भी आसानी से पास कर लो जैसे कि तुमने फर्स्ट राउंड पास किया, और कांग्रेचुलेशन। तो बोरुटो बोलता है ये शैडो क्लोन भी नहीं भेज पाया, कम से कम स्टूपिड ओल्ड मैन शैडो क्लोन तो भेज देता, ईमेल की क्या जरूरत है। तो बोरुटो सोचता है कि अगर मैं अपने दिमाग पर चलता तो मैं पास नहीं कर पाता कभी फर्स्ट राउंड, और फिर बोलता है लेकिन सेकंड राउंड में ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल पास करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने रही हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।